हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी हमारा कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट चलता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.gyanexpi.com। आप यहाँ से ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे। लास्ट में हमें टोटल जो भी स्कोर आपको मिलता है वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव टेस्ट में तो आप एक कॉपी और पेन साथ में रखें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अलग से नोट डाउन कर पाएं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। लिनक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल डायरेक्टरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी रूट। जो यहाँ पे लिनक्स होता है, लिनक्स में जो हमारी मेन हार्ड डिस्क होती है या प्रथम जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है उस ड्राइव को यहाँ पे रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू में सेलेक्ट किए गए कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। अगर आप किसी मेन्यू में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सही, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, इंटर की। अगर आप मेन्यू में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद प्रेस करते हैं इंटर की तो वो ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिव सेल के कंटेंट कहां पे दिखाई देते हैं या डिस्प्ले होते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक्सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया है, काफी लोग यहां पे कंफ्यूज भी हैं। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉर्मूला बार। जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उस सेल के अंदर अगर कोई डेटा है, कोई वैल्यू पड़ा हुआ है तो वो डेटा या वैल्यू हमारा दिखता है फॉर्मूला बार के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्क शीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, तो इस क्वेश्चन के भी राइट आंसर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शीट टैब। अगर आप देखे होंगे तो एक्सेल में नीचे की तरफ सीट वन, सीट टू, सीट थ्री इस तरीके से टैब्स रहते हैं। आपने जितनी सीटें ओपन कर रखी तो एक सीट से दूसरी सीट में जाने के लिए हम सीट टैब को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कब ईमेल भेजा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। पहली बार कब ईमेल भेजा गया था, तो इसका भी राइट आंसर मिल चुका है 1971। और किसने भेजा था, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा। रे टेमल्सन एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा 1971 में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। बिल्कुल सही, इसका भी राइट आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसको प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है डेटा प्रोसेसिंग, तो डेटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। क्या होता है, जो हमारा सेल एड्रेस होता है सबसे पहले कॉलम नेम होता है फिर रो नंबर होता है। जैसे कि अगर हम सेल वन की बात करें, फर्स्ट सेल जो हमारी होती है उसमें होता है ए वन, ये होता है एड्रेस फर्स्ट सेल का। तो यहाँ पे ए क्या है, कॉलम नेम है, वन क्या है, रो नंबर। तो राइट आंसर यहाँ पे है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड में पिक्चर को रिकलर करने की कमांड होती है, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं और यहाँ पे राइट आंसर है इंसर्ट फिर पिक्चर देन रीकलर।
तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले महीने ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी साइबर स्पेस। आपने सुना होगा साइबर स्पेस का नाम, जहां पे जो हमारी नेटवर्क ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है वो साइबर स्पेस पे स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज बॉर्डर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एमएस वर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है पेज लेआउट। हालांकि काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज, यहाँ पे पेज लेआउट एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप पेज बॉर्डर सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा, ये यहां से आप किसी भी पेज में पेज बॉर्डर सेटअप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपने अभी शॉर्टकट कीज के जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं वर्ड एक्सेल के आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मैंने डिस्कस की है और वहां पे प्रैक्टिकली उन सभी को मैंने डिस्कस किया है ताकि समझ में आए कौन सी शॉर्टकट की किस तरीके से यूज करते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, तो आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, या फिर मैंने अपने चैनल पर एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है जहाँ पे शॉर्टकट की नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ओके तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिफ्ट प्लस इंटर से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, जबकि अगर हम पेज ब्रेक की बात करें तो यहां पे कंट्रोल प्लस इंटर यूज करते हैं पेज ब्रेक करने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की शॉर्टकट की है? तो यहां पे देखिए कई अलग अलग केस होते हैं, टाइटल केस, टॉगल केस, तो अगर हमें केस बदलना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की होती है, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके तो यहां पे काफी सारे लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी शिफ्ट प्लस F3 से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग एक समान लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेल मर्ज ऑप्शन होता है हमारे वर्ड में जहां से हम सेम लेटर को कोई अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली मैंने वर्ड के वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एमएस वर्ड के वीडियोस आप देख लीजिए, इसको प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन किया है तो इजीली आपको समझ में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है वर्ड का और ये आगे काम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट कौन सा पेज साइज सेट रहता है? तो अगर आप एमएस ऑफिस ओपन करते हैं, उसके अंदर एमएस वर्ड ओपन करते हैं और आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो डिफॉल्ट कौन सा पेज साइज सेलेक्ट रहता है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो यहां पे भी काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज, हालांकि मुझे राइट आंसर मिल चुका है, राइट आंसर है सी लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए कौन सा की दबाते हैं या प्रेस करते हैं? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए होम की, होम की प्रेस करके आप लाइन की शुरुआत में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस के पैकेज में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता है? एमएस ऑफिस के पैकेज में कई अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है नोट पैड, हालांकि मैंने इसका राइट आंसर बता ही दिया एक तरीके से, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, नोट पैड ऑप्शन एमएस ऑफिस के पैकेज में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी शब्द को कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप इन ब्रेसेस के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, कंट्रोल प्लस एफ नाइन अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो ये कर्ली ब्रेसेस एक तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद जो भी कुछ आप टाइप करते हैं कीबोर्ड पे वो इन ब्रेसेस के अंदर टाइप होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एफ नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग देखने या बदलने के लिए किया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन होता है जहां से आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनिक्स एक हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहां पे काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रेड हैट, क्रोमियम। ये क्या है, हमारे लाइनिक्स के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। लाइनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके काफी सारे मार्केट में फ्लेवर्स अवेलेबल हैं क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो कई सारे लोग इसको अपनी अपनी तरीके से कस्टमाइज करके मार्केट में उतारते हैं। तो यहाँ पे रेड हैट क्रोमियम इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसको हम कर लेते हैं मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से कैसे खोलते हैं? अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करनी और उसका कहीं पे शॉर्टकट दिया हुआ है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके। जो हमारा शॉर्टकट आइकन होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होता है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 32 एंड 64। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में उसमें 32 और 64 दोनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। यहाँ पे 32 और 64 बिट का मतलब क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 32 बिट का होता है उसका मतलब होता है कि वो एट अ टाइम एक टाइम पे 32 बिट के डेटा को प्रोसेस करता है। और अगर हम 64 बिट की बात करें तो 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक समय पे 64 मैक्सिमम 64 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पे 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो 32 बिट से काफी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। ओके, तो राइट आंसर आ चुका है विंडो एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? हालांकि मैंने अभी इस क्वेश्चन का थोड़े टाइम पहले राइट आंसर बताया था, तो देखते हैं कितने लोग उस पर फोकस करते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया है डी, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओके, तो हालांकि इसमें काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज और मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दे रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एंटीवायरस, इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, विंडोज में स्टार्ट बटन का क्या उपयोग है? स्टार्ट बटन होता है हमारे विंडोज में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा विंडो 8। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें स्टार्ट बटन की,
तो यहाँ से आप डिवाइस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं स्टार्ट बटन की हेल्प से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप CCC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.gyanexp.com। अगर आप हमारे साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप GyanExp सर्च करके आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। इसके पहले कोई भी लाइव टेस्ट का वीडियो अपलोड नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो संडे में अपलोड होगा 8:30 PM पे। तो उम्मीद करते हैं संडे में आप सभी लोग मेरे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।